शादी हो गई, तलाक हो रही है, किस वजह से? ससुर की वजह से तलाक हो रही है। बर्तन धो, अब्बा जान खड़ा हो गया सिर पे, गाची ज्यादा इस्तेमाल क्यों की है, ये हड्डी के ऊपर ढकना क्यों पड़ा, दादा खसड़ 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 कर रहा, फ्रिज खोल के देख रहा है, अल्लाह अकबर, बीवी के कमरे में झांक के देख रहा है, अगर वो बीवी के कमरे में बैठ के खा रहा है, ओ बेशरम शरम कर, तेरी माँ के साथ तो कभी मैंने बैठ के नहीं खाया, तू क्यों खा रहा है? वो उससे अगर तूने सारी जिंदगी कंजर पना, इसे तो हलाल पना करने दे। एक और बात बतलाऊं, चार चार बच्चों के बाप बन गए, बीवी कह रही है मुझे गर्मी के जोड़े ला दे, अब्बे तो कह दे मैं सोवे तेरे साथ काम, अब्बे तो कह दे बात बने चाचा जी, अब्बा ना होया हमारे वास्ते तो अजाब इलाही बन गया यार। फिर कह बहुए कदर कोई नहीं करती, फिर कह बहुए जावे मुझे बड़ी बड़ी गालियां सुनावे जी, फिर कभी दी के घर जाके रह रहा, कभी बाड़ियों के घर जाके रह रहा, दे फुट्टे अपने घर के अंदर रहता तुझे सुकून मिलता, बीवी बहू को बेटी समझता, देख तेरे पैर धो दो पीती, अम्मा फीस जमा करानी, अब्बा फीस के पैसे दे, दादे से ले ले, दादे ने अली बानी पड़ी तेरी फीस के पैसे देगा। अजीब सा एक मंजर है। फिर कहते हो पोता मेरी सुनता कोई नहीं, हाँ हाँ पोता तेरी नहीं सुनता, लेकिन कमरे में जाके अपनी माँ के आगे रो रो के जो सुनाता है, अम्मा दादा कब मरेगा, अम्मा खुशियों वाले दिन कब आएंगे, अल्लाह अकबर, अम्मा दादा मारा क्यों मर नहीं जाता, मेरे प्यारों जिंदगी तुमने मैंने गुजार ली, जिंदगी हंस के गुजार ली, बड़े आ गए अब जवानी आनी कोई नहीं, चेहरे पर छाइयाँ पड़ गई मेरे अजीजों, अब जवानी शबाब कोई नहीं आवेगा, अब हाथ में लठ आ गया मेरे अजीजों, गोडों की जान खत्म होगी, अब कुबड़ापन निकल गया, सीधा होके खड़ा कोई नहीं होगा, अब तो तुझे चाहिए था मरने से पहले पहले अगर तेरी औलाद तेरी कब्र पर आके न लड़ती, तेरी औलाद तेरी कब्र के सराहने खड़े होकर तुझे गालियां न देती, तुझे चाहिए था जब शादी हो गई अपने बेटे के हिस्से की जो जमीन मुनकबा बनता था, ले मेरे बेटे ले ले, मैं तेरे से दो रोटियों का सवाल नहीं करता, हाँ तेरा दिल चाहे मेरा हाल पूछ लेना, वरना सलाम अलैकुम तो अपने घर को आबाद कर, रब्बुल आलमीन की कसम है फिर यही बेटा तेरे सामने कभी सर ना उठाता और यही बहू तेरी जूतियों को सीधा कर कर तक जाती, लेकिन तूने इसे समझाई कोई नहीं, अल्लाह अकबर, तेरी चुड़राहट खत्म ना हुई, तेरी नस्ल तेरे घर का अल्लाह अकबर इस हालत से बेड़ा गर्क हो गया है। बेड़े के अंदर सांस बैठी हुई है, ये माशरा सुनो, ये सीरत तुम्हें सुना रहा हूं, बेड़े के अंदर सांस बैठी हुई है, अगर उसने दो चक्कर यूं करके कर लिए, अगर खसम ने चक्कर यूं करके अंदर कर लिया, अबे क्या हर वक्त वहां कमरे में बढ़ता फिर रहा, मैं तुझे क्या लेना तेरे मुंह में, तो दांत कोई नहीं, अल्लाह मेरी तोबा, मैं तो जा रही बब्बो घर छोड़ के, मैं तू घर छोड़ के क्यों जा रही, कि तो अपने बच्चे के घर को बस्ता नहीं देख रही, कि मियाँ बीवी मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ने औलाद की नेमत दे रहा, माल की नेमत दे रहा, अगर अल्लाह अकबर अगर शोर मेरे अजीजों साल में बीवी के वास्ते जोड़ा ले आएगा, भाई ने कहेंगी ले भाई हमारे वास्ते तो कभी नहीं लेके आया, हाँ वो उस बीवी है, बहन नहीं है उसकी, तेरी मदारी बाप के ऊपर है भाइयों पर नहीं, 15 लाख का उसने जहेज दे दिया, उस वक्त तो यूं तेरे हाथ ना मले, अगर उसने जोड़ा अपनी बीवी को मौसम का ला के दे दिया तो सौर हाय भाई मैं तो मौलवी अब नान के पास आवे, मौलवी नान आवे ना बच बच, उसे कान के अंदर कह दिए बस तभी दे दे मारे भाई को, तो हमारी भाभी ने कुछ पिला दिया, मौलवी जी एक ऐसा तवीज दे दो, अल्लाह अकबर, बच्चा जो है ना हमारा, मेरे तो हमारे तो नसीब फूट गए, हमने शादी करी थी अपने बच्चे की, मौलवी साहब बस उसके गीत गावे, पता नहीं क्या बात है, मौलवी साहब जो चीज़ लावे उसके भुब्बे के अंदर भर दे, मौलवी साहब माँ तो देता ही कोई नहीं, मैं तो माँ हूँ, मुझे माँ समझते कोई नहीं, मुझे तो कुत्ती समझे, पता ये कह रही अपने बेटे के घर के कबर बात कर रही है, और बेटी की तरह मौलवी साहब एक तवीज ऐसा दे दो बस मेरा दामाद यहाँ आवे, मैं तो रखने को तैयार हूँ, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना पैसा, ऊपर चबारे में दो कमरे खाले में ये रख लूँ, बस मेरा बेटा उसके पास ना जावे है जी, और तेरी बेटी के पास से तेरा दामाद ना उठे, ये कौन सा तवीज काम करेगा, जब ऐसे पागल लोग मौलवियों के पास आने लगे ना उनकी भी ईद हो जाती है, और कहा ठीक है हाजा मिन फली रब्बी, इधर से भी खाई जाओ इधर भी तपाई जाओ, बहुत जगह अभी हमारे यहां मेरे अजीज एक तलाक हुई, अल्लाह खुदा की कसम यकीन जानो
दिल खून के आंसू रोता है, मेरे प्यारो वो रिश्ते तो भूल गए, मेरे अजीजो बड़े बड़े तलाक के मेरे अजीजो फसाने सामने आए, लेकिन चंद दिन पहले एक तलाक हुई, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजो रोंगटे खड़े हो गए। पहले घर के अंदर बच्ची को लेके आए थे, अजी ये हमारी धीरानी है, उन्होंने कहा जी आप देख लो ये बच्ची को पकाना कुछ नहीं आता, अंडा रोटी पकानी नहीं आती, हमें 6 महीने का टाइम दे दो इसे घरदारी सिखा देंगे। उन्होंने कहा ना जी बहने माशाल्लाह नंदे हैं बाबजे हैं सब कुछ सिखा देंगी। 2 महीने के बाद बच्ची का हाथ पकड़ के मेके छोड़ा है, कह तेरी धी के तो कुछ धोना ना करना ना खाना पीना आता है। उन्होंने कहा हमने आपको कसम उठा के नहीं बताया था कि 6 महीने का टाइम दे दो, यकीन जानो जब वो तला जब वो अपनी बच्ची का बहन का घर बसाने के लिए आए, मामा साथ आया, फुप्पा साथ आया, ताया साथ आया, 13-14 साल का जवान भाई साथ आया, और आकर यूं करके अपने दामाद अपने बहनों ये क्या कि हाथ जोड़ के बैठे हुए थे, हमसे जो लिखवाना ले ले हमारी बहन का घर ना उजाड़। लेकिन उसके अंदर तुर्रम खानी आई थी, बच्चों खुदा के कहर से बच, अगर तूने किसी के बाप को रुलाया तो तेरा बाप भी कोई नहीं हंसेगा, अगर तूने किसी की माँ को रुलाया तो तेरी माँ भी कोई नहीं हंसेगी। मेरे अजीज अल्लाह अकबर, जब उन्होंने कहा किसी सूरत में जो दो या लो हमने तुम्हारी बहन को रखना कोई नहीं, मेरे अजीज 13 साल के बच्चे ने अपनी माँ को फोन किया और फोन करके झूठ को आंसू निकल रहे थे और अपने आंसुओं को यूं करके हमारे से छुपा रहा था और अल्लाह अकबर रो के कह रहा था अम्मा बसाने गए थे उजाड़ के आ गए, अम्मा तैयार हो जा ये एटम बम तेरे ऊपर आके गिरेगा, अम्मा बता मैं तुझे फोन पे कैसे बताऊं कि भाइयों के हाथों से बहन का घर उजड़ गया। अगर खुदा ना करे इस बच्ची का गलत कदम उठ गया और इस बच्ची ने गलत रास्ते पे जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, खुदा पाक की कसम तुझे कौन बेवकूफ कहता है, तो हज पढ़ ले तू रोजे रख ले अल्लाह अकबर, किसी जिंदगी के साथ तूने खड़वाल किया तो जन्नत में नहीं जा सकता है। मेरे अजीज सीरत सुन अब्दुल हन्नान से, बहू लेके आ बेटी बना के ला वरना अपने बच्चे को गवारा कर दे, रातों को छुप छुप के सास ससुर की अजियतों से ननद भावजों के तानों से रोएगी, खुदा पाक की कसम इसकी तो अंधेरी में मिक्की मिट्टी भिक्की खाकर मिस्सी खा के कट जाएगी, लेकिन कब्र के अंदर जो भुगत भुगतना पड़ेगा खुदा की कसम अच्छे अच्छों से भुगत बर्दाश्त कोई नहीं होगा। घर जन्नत बनाओ, अगली बात मेरा जीरो तुम्हें और बताऊं, ये सारे लोंडे लपाटे बैठे हमारी जुबान के अंदर बात कर रहा भाई, तुम्हारे ये छोकरे सारे बैठे हैं नी, सारे छोकरे बैठे सुनो मेरी बात, जब शादी के दिन रखे जावे यार के लड़की के नहीं, सहेलियों को तो अल्लाह ही हाफिज है, शादी के दिन हो जाए जिस दिन वलीमा खा लो, जो जिगरी दोस्त है जो रातों को 2-2, 3-3 बजे तक यूं करके मोटरसाइकिल के पीछे कमर के साथ कमर जोड़ के साथ होके बैठता था, अब कह दे मियाँ तेरी शादी हो गई, तेरी जिंदगी की जुदाई को तेरी जिंदगी की तन्हाई को दूर करने वाली तेरे घर के अंदर आ गई, अब रात का हक उसका है रात का हक मेरा नहीं, दिन के उजाले में मुलाकात करेंगे मगरी के बाद हम अनजाने हो जाएंगे, तो मुझे नहीं जानियो मैं तुझे नहीं जानूंगा, तो मुझे फ़ोन ना करियो मैं तुझे फ़ोन नहीं करूँगा, अब ये टाइम तेरा घर बसाने का भाई मानो 4-4 बजे तो होटलों पर तुम लेके बैठते हो, जब औरत गलम कदम उठा दे तो कहते खानदान सही नहीं कोई नहीं था, खानदान तो बड़ा अच्छा था, नसीब तो बड़ा अच्छा था, बाप ने 10-10 लाख रुपए का जहेज दे के बेटी को ब्याया था, 400 अनल्ले थरल्लों को बिठा के खाना खिलाया था, जिसने कभी मस्जिद का मुंह ना देखा उसे भी चौधरी साहब मलक साहब शेख साहब कह के कह रहा था, मैं बच्ची वाला मैं दी वाला, अगर कमी रहेगी सालन में मिर्चों में रहेगी तो अल्लाह अकबर शिकवा ना करना, मैं दी वाला जल्दी जल्दी काम हो गया, बराती 125 बुलाए थे 350 बराती आ गए, अल्लाह अकबर छोड़ दे उसी दिल से, जब तेरी तन्हाइयों को दूर करने वाली तेरी बच्चों की वारिस तुझे जन्नत में हाथ पकड़ कर ले जाने वाली अल्लाह अकबर आ गई, तो उस दिन से दोस्ती का दरवाजा रात के अंधेरे में बंद कर दे, दिन के उजाले में कारोबार को वक्त दे, दिन के उजाले में यारों को वक्त दे, तेरी मर्जी मुजफ्फरगढ़ के दरिया पे जाके मछलियां खा ले, तेरी मर्जी मुल्तान जाके मेरे अजीजों किसी अल्लाह वाले के दरबार पे जाके बैठ जा, जो ही मगरिब की अजान हुए अस्सलामु अलैकुम, अब तेरा मेरा वास्ता कल सूरज निकलने के बाद शुरू होगा, बच्चों के साथ मेरा वास्ता पड़ गया, तुम टाइम पर घर आओ, ये सुबह से तुम निकले हुए जो तुम्हें दरवाजे पे छोड़ने आई, कपड़े इसने तुम्हारे इस्त्री करके दिए, कपड़े इसने तुम्हारे धो के दिए, बिस्तर इसने तुम्हारा बिछाया, तुमने फोन किया था इसने मर्जी के मुताबिक खाना पिलाया खुद खाना खिलाया, झाड़ू इसने दी कमरा तुम्हारा जन्नत जैसा बना दिया, क्या 2 घंटे इसके साथ बैठकर मुस्कुराना तुम्हारा हक नहीं है अल्लाह अकबर, अगर सारे दिन की मुशक्कत ये करे, सास के लिए रोटी ये पकाए, ससुर के लिए रोटी
ये पकाए, मेहमानों के लिए रोटी ये पकाए, शोहर के सारे तकाजे पूरे करे, कभी लेट के दिखाए, कभी हंस के दिखाए, कभी काम करके दिखाए, कभी पेट फड़वा के दिखाए, कभी तेरी अमानत 9-9 महीने गोद में उठा के दिखाए। क्या मेरे प्यारो, उसका इतना भी हक नहीं कि उसके हमसे मुस्कुरा के बात कर सको, उसके साथ बैठ के खाना खा सको। अल्लाह अकबर। साहब मेरे अजीजों, लड़का लड़की के साथ, बीवी के साथ बैठ के खाना खाएगा, बाप ताने देगा, ये हराम ज्यादा जा रहा, कहां चलेगी इसकी मर्दानगी, शर्म नहीं आती, लुगाइयों के पास बैठ के रोटी खावे, डूब के मर जा। खुदाए पाक की कसम, तो लुगाइयों के पास बैठ के रोटी खिलाने को डूब का मरना कहता है। आ मैं तुझे मदीने ले जाऊं, सैयदा आयशा के घर ले जाऊं, लुकमा बनाने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था, लुकमा खाने वाली सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहला दिन सैयदा आयशा बहु बन के दुल्हन बन के आई, या तो कहते हैं सातवें छठे दिन मिठा पका के खिला ताकि खानदान को पता लग जाए हमारे महाजरों में है दस्तूर, तुम्हारे भी है भाई, पांचवें छठवें दिन रोटी पकवावे ना, पका तेरी हैर होए। हमारे यहाँ है खीर पकावेंगे, मिट्टी सबसे पहले मिट्टी को हाथ लगवाएंगे हैं, पहले छह दिन मेहंदी न उतर जाए ना, वो मेहंदी इसकी मेहंदी भी नहीं उतरी ना, ना इसे बोर्ची खाने में ना बाड़िए, छह दिन बोर्ची खाने में नहीं बाड़ती, फिर 50 साल बोर्ची खाने से नहीं निकालती, बड़ा अंदर मार जाता। सही कह रहा नहीं कह रहा भाई, बोल तो दो, मुंह से कह तो दो। हाँ, ये जो अंदर बैठी ना, तुम तईद करो, कह अपनी आवाज ना वहां पहुंचाना, कमरा बंद कर देगी कि तू ही था, उई उई करके सुभान अल्लाह कह रहा था, तू ही था ना, आहो जितना तुमने हावी कर रखा है। अल्लाह अकबर। हमने बंदरों को नाराज ना, अगली बात कर दूं, गैरत वाले महाजिर लोग थे, गैरत वाले लोग थे, ये धियाँ ये लाडलियाँ ये मेरी प्यारी ये मेरी बच्चियाँ, जब उम्मीद से हुआ करती थी, इनकी सासें इनकी माएँ मेके से इतनी बड़ी चद्दर भेजा करती थी जैसे बोरी के अंदर कोई चीज़ रखी हो, अगर बाप भी सोरा भी घर के अंदर आ जाता, ये धी रानी इतनी शर्मीली थी, अगर बाप भी घर में आ जाता, अल्लाह अगर सगी माँ अगर जगवान भाई घर में आता तो सगी माँ इस हमला और सयू करके इशारा करती थी, गैरत वाला भाई आ गया, गैरत वाली बहन अंदर चली जाए। अल्लाह अकबर। 9-9 महीने गुजर जाते थे, भाइयों को पता ही नहीं होता था कि हम मामू बनने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अब मोटरसाइकिल पर तूतड़ी बना के बांदरी बना के बिठा रहे हैं माशाल्लाह, जिस तरह मेरे अजीजों से लाल करके लेके जा रहे हैं, अल्लो तुम भी देख लो, बदमाशो तुम भी देख लो, हाजियो तुम भी देख लो, मुसलमानों तुम भी देख लो। रब्बुल आलमीन की कसम है, आइसक्रीम की ठंडक उस वक्त उसके दांतों को लगती नहीं जब पूरे मुल्तान के अंदर उसकी गैरत का जनाजा ही ना निकल जाए। टोपी बुरके का रवाज था, वो गया, सादा बुरका आ गया, वो गया, फिर तंग बुरका आया, वो गया, अब कपड़े अद्धे आ गए, पता नहीं अगले जमाने में। भाइयों, खुदा के वास्ते इस नफरत वाली जिंदगी से पना मांगो। मोबाइल खोला, ये देख ये लिबास है, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मोबाइल खोलोगे, जूते की बरांडे उसके ऊपर आएंगी, कपड़े की बरांडे उसके ऊपर आएंगी, मकान कैसा बनाना है उसके ऊपर आएगा, दुकान बनाना, ये कौन भेज रहा है? मैं भेज रहा, मेड इन पाकिस्तान तो है ही कोई नहीं, मेड इन चाइना, मेड इन बर्तान, मेड इन अमरीका। किन की तकलीद करते हो? जिनके दस्तरखान के ऊपर शराब ना है उनका दस्तरखान ही अधूरा कोई नहीं। वो मेरे अजीज़ो, यहूद और नसारा दूर की बात, उनके गली के कुत्ते भी आपस में यूं करके मिले तो कान के अंदर कहते हैं बताओ मुसलमानों को खत्म कैसे करेंगे। और जिनका कुत्ता भी इस्लाम का दुश्मन हो, जिनकी चिड़िया भी इस्लाम की दुश्मन हो, मेरे अजीज़ो, जिनका बच्चा बच्चा जब भी वो मेज पर बैठे, इज्तमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर, जब दो आदमी इकट्ठे हो जाए, उनका सबसे पहला टारगेट यह होता है बैतुल मुकद्दस को खत्म कैसे करेंगे, बैतुल्लाह पे हमला कैसे करेंगे, पाकिस्तान की एटमी ताकत को कैसे खत्म करेंगे। उनकी तकलीद करते हो जिन्हें बेटी का नहीं पता, जिन्हें माँ का नहीं पता, जिन्हें बहू का नहीं पता। उनकी तकलीद करते हो जो बीवी बहन को बराबर समझते हैं। उनकी तकलीद करते हो जहां माँ के साथ लड़का सो जाता है। सुनो सुनो, आमना के लाल के लाया हुआ दीन, इतना अजमत वाला दीन, इतनी शान वाला दीन। फरमाया जब बच्चा जवान हो जाए, माए जरा दूर से बच्चे को प्यार करें, जवान बच्चा माँ के साथ लग जाए, और जवान बच्चे के हया वाले अजाम माँ के साथ टकरा जाए, और दोनों के दिल में हल्की सी बेहयाई आ जाए, निकाह ही बातिल हो जाता है। फरमाया बेटी बाप के सामने आवे और यूं करके जब
हैप्पी डाले। बाप बेटी से पवित्र रिश्ता सबसे ज्यादा किसका है? लेकिन अगर बेटी के हया वाले आजा बाप के ये सबसे टकराए और बाप के जहन में 19-20 आ गई मेरे अजीज और रिश्ता तो दूर की बात निकाह ही बातिल हो जाएगा। हमारा तो नबी भी गैरत वाला, हमारा तो रब भी गैरत वाला, हमारा तो इस्लाम भी गैरत वाला, हमारे तो हया मिली वो भी गैरत वाले नबी के सदके, किरदार मिला वो भी गैरत वाले नबी के सदके, अखलाक मिला वो भी गैरत वाले नबी के सदके। ओए लोगों, दरवाजे खोलने की, पर्दा हटाने की, बाजारों में जाने की, शॉपिंग करने की, लंडे बाजार में जाने की, दूध वाली दुकान पे तेरी मेरी बेटी, रस वाली दुकान पे तेरी मेरी बेटी, बेकरी पे तेरी मेरी बेटी, सब्जी वाली दुकान पे तेरी मेरी बेटी। अल्लाह अकबर, इन्होंने तो अपने घर को जन्नत बनाने का अल्लाह से वादा किया था, ये बाजार सजाने के लिए कहां से निकल गई? अल्लाह अकबर, न बैंक वाले की हया, न दूध वाले की हया, न रक्षे वाले की हया। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज ये तो इतनी गैरत वाली औरत थी, न यकीन आता। उठाओ पुराने पाक 18वां पारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا। ओ ईमान वालों, अब्बा क्यों ना हो, खबरदार अपना घर हो, भाई क्यों ना हो, शोर क्यों ना हो, गैरत वाली दिया गैरत वाली बीविया कमरे में जब तक अंदर जाने की इजाजत ना ले लो, बाप को भी अपने घर बेटी के साथ मिलने की इजाजत कोई नहीं। ये कौन कह रहा? अल्लाह का कुरान कह रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान कह रहा। पहले जमाने में बुजुर्गों के हाथ में लठ हुआ करता था, रोशनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आंखों के अंदर हया और गैरत बड़ी हुआ करती थी। अब्बा जी नमाज पढ़ के आवे थे, खेतों से आवे थे, जो लठ हुए करता था वो जोर से दरवाजे पे मारे थे, आ कहाँ चले गए घर वाले भाई, जो जोर से मारे। छोटी को भी पता था दादा आ गया, नाना आ गया, बीवी को भी पता था गैरत वाला शोहर आ गया, माँ को भी पता था गैरत वाला बेटा आ गया, बहन को भी पता था गैरत वाला भाई आ गया। मौली साहब, अब तो मैं बहनों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि तारीख पर तारीख होती है। यकीन जानो, हमने अपनी आँख से वो दौर देखा जब तालिब इल्मी दौर में हम घर आया करते थे, हमारी बहनें गले बाद में लगाया करती थी, पहले तार पर से दुपट्टा उतार के अपने सीने को छुपाया करती थी कि गैरत वाला भाई आ गया, बहन को देख के गैरत का जनाजा ना निकल जाए। अल्लाह अकबर, पहले बुजुर्ग बाबा जी अपने घर में आवे थे तो ना खांसी हुआ करती थी, ना बलगम हुआ करता था, जोर से खगूरा मारे करते थे। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, जोर से आवाज दिया करता था। हाँ भाई घर वाले रिश्तेदार मामे ताए आवे करे थे, जोर से फुफड़ आवे करे था, जोर से हाँ भाई कहाँ चले गए घर वाले, जोर से आवाज देते। तो गैरत वाली अल्लाह अकबर अपनी गैरत को एक चादर के अंदर बंद कर लेती थी। अब तो टंगे खोल बाप के सामने बेटी पड़ी हुई है, अब तो भाई के सामने बीवी नहीं। अल्लाह अकबर, दुनिया की बेगैरत तरीन नस्ल नजर आ रही है और भाइयों ने भी गैरत के जनाजे निकाल दिए। नंगा सर हुआ चलता था, अब तो नंगे बदन है, चटियां पहन पहन के तुम बहनों को दिखाओगे। जब तुम बेगैरती का जनाजा निकालोगे, तुम्हारे घर के अंदर राबिया बसरिया नहीं नजर आएगी, तुम्हारे घर के अंदर फातिमा की कनीज नहीं नजर आएगी, तुम्हारे घर के अंदर ज़ैनब की कनीज नजर नहीं आएगी। खुदा के वास्ते खुद अपने आप को चादर चार दीवारी में ला, फिर खुदाए पाक की कसम तेरे घर के अंदर अल्लाह जो दिखाएगा वो आंखों का नूर दिखाएगा, तेरे दिल का सुरूर दिखाएगा। मेरे अजीजों, कदम उठाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, अपने आप को मेरे अजीजों पर तहजीबी वाली जिंदगी से निकालना पड़ेगा। ये भी कोई जिंदगी है? अल्लाह अकबर, ये जिंदगी जिंदगी है? ये तो नीरी नीरी शर्मिंदगी है। जिसने अपने हलाल कमाई से मुल्तान की गलियों में रेड़ियां लगा लगा कर जिसने 2 कमरे का मकान बनाया था, मस्जिद के अंदर बैठा, मैंने कहा जी साहब जाता क्यों नहीं, कमौली साहब मस्जिद में जाओ मुझे होल चढ़ते हैं, बीवी को देख के मुझे होल चढ़ता है, घर में बैठा हूँ मुझे रोनी रोनी आ जाती है, घर के अंदर बैठता हूँ मौली साहब सारी रात जागता मुझे सुकून नहीं आता, मस्जिद की सब मस्जिद की चटाई पे मौली साहब 8 दिन के बाद आधा घंटा सोया मुझे नींद आ गई, घर के AC वाले कमरे में बेड पर नींद नहीं आती, क्या करे? जिनको रो रो के मांगा था, जिनको दुआएं करवा करवा के मांगा था, जिनकी आमद पर कानों में अजान दी थी, दाई को खुश होके पैसे दिए थे, अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह काका लोरिया की दुआएं दी थी, खुदाए पाक की कसम हमने तो फरमा बरदार समझा था, हमें क्या पता बाप को छेतेगा, हमें क्या पता था बीवी के सामने माँ को जलील करेगा, हमें क्या पता था यारों के सामने बाप को घूर घूर के दिखाएगा। फिर मेरे अजीजो, हमें क्या पता था यारों के साथ 4-4 हजार की कड़ाइयां खाएगा, बाप को 100 रुपए की दवाई लाते ताने देगा। अब्बू जी दवाई 2 टाइम नहीं, 1 टाइम कर दो, मैं
महंगाई बहुत हो गई है। फिर अब्दुल हन्नान को कहना पड़ेगा कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बुझ गया हमारे पास बचा क्या। रातों को चार चार बजे डोड़ मास्टरी करके अपने घर आ रहे। तुझे माँ को जगा के क्या मिला, तुझे बाप को सता के क्या मिला। हाय बाबूजी बड़े बेटे का क्या हाल है, अच्छा है भाई। मैं छोटे का क्या हाल है, अच्छा है। वो काम कर रहा था, अल्लाह बयू करके नीजी झुक गई। कब बस यार कोई और बात कर छोड़ दे, अल्लाह अकबर कोई और बात कर छोड़ दे, या क्या बात हुई। अपनी आंखों में आंसू का पानी ला के यूं मैं फेर लिया। समझ ले अगर बाप का आंसू यहां से निकल गया, खुदा जिंदगी उजाड़ के रख देगा। यारी यारी ना रहेगी, दोस्ती दोस्ती ना रहेगी। और मेरे प्यारो फिर अब्दुल हन्नान के हाथ जुड़े देख लो, दोस्ती के चक्कर में उन मोहसिन, दुनिया के अंदर दो बड़े मोहसिन हैं, अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी मोहसिन जात जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। उसके बाद दो मोहसिन हैं, एक माँ है एक तेरा बाप, ये सबसे बड़ा मोहसिन है। इनके एहसानात की कदर करना, इनके एहसानात के आगे हमेशा गर्दन झुका के रखना। खुदाए पाक की कसम ये माँ बाप हैं, खाड़े के अंदर बड़े बड़े पहलवानों को बिछाड़ देते हैं। पंद्रह पंद्रह घर के फर्दों की अकेली एक दिन में 50-50 रोटियां पकाया करती थी, बगैर मशीन के घर के 11 अफराद के कपड़े धोया करती थी, और सबकी स्त्री भी क्या करती थी, जुमे की नमाज से पहले हंडी चढ़ती, जुमे तक खाना तैयार हो जाया करता, बुरे वाली अंगीठी भी भरा करती थी, गोए और लकड़ियों के ऊपर खाना भी पकाया करती थी। इसने हर मैदान में शेरनी की तरह मुकाबला किया, लेकिन औलाद की घूरी के आगे इसका भी सर झुक गया है। इसे माँ ही समझना, इसे घर में अजियत ना समझना, इसे देख के गुस्सा ना करना, बल्कि इसे देख के दुआएं करना। अल्लाह की कसम भाई जी, हमारे पास दुनिया की अल्लाह ने हर चीज दी, पैसा भी अल्लाह ने बथेरा दिया, गाड़ी बंगला कोठी कार भी अल्लाह ने अता फरमाया। तुम्हारे यहां से जमात गई थी, हमारा घर देख के आई थी, अल्लाह अकबर। इस जैसे 10 खानदान और भी आ जाए, हमारा घर फिर भी खुला है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ों का अल्लाह को आपने तोहफा अता फरमाया। लेकिन मेरे प्यार अजीजो, अल्लाह अकबर, अर्ज करके जानो, दुनिया की जो चीज मिल जाए, दुनिया का मालो मता मिल जाए, लेकिन कभी भी माँ बाप का सर अपना झुकने ना देना, इनकी आंख में आंसू ना लाने देना। खुदाए पाक की कसम, जिंदगी इनकी थोड़ी हो गई, ये चार दिन के बाद कब्र में चले जाएंगे, लेकिन अगर इनके हाथ उठ गए, जनाजा रोते चला गया, तो तेरा घर कब्र बना के चले जाएंगे। इस कब्र में घर के अंदर रोशनी अंधेरा नजर आएगा, इस घर के अंदर खुशियां मेरे अजीजों मायूसियां नजर आएंगी। जितनी तरक्की करेगा, माँ बाप के आंसू रुकावट बन जाएंगे। आज मेरे अजीजों स्कूल की कमी कोई नहीं, आज यूनिवर्सिटियों की कमी कोई नहीं, आज कॉलेजों की कमी कोई नहीं, आज मदरसों की कमी कोई नहीं। अगली बात को उलामाए कराम मुझे माफ कर देना, उफाज़े कराम मुझे माफ कर देना, आज कुरान पढ़ने वाला भी कुरान भूल गया। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अब्दुल हन्नान कुरान की कसम कहता है, अव्वल तो रहे मदरसों के अंदर, अव्वल तो रहे पढ़ते पढ़ाते, कभी खिताब सिद्ध के अंदर मिली, कभी लाहौर में मिली, अब 16 साल से पीर महल के अंदर हूं। हमें तो घर रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बाप देखा कोई नहीं था जिसकी कदर करते। माँ 2013 में चली गई, लेकिन आज तक अब्दुल हन्नान ने पैर तो क्या जूते की नोक के भी उसकी तरफ सीधी नहीं की। माँ प्यार करती थी और कहती थी मेरे पास तो बैठ जाकर, मैं कहते थे अम्मा वो जरफ कहाँ से लेके आऊं, वो इज्जत कहाँ से लेके आऊं। अल्लाह अकबर, खुदा ने मैं तेरी जूतियों में बिठाया, तेरी चरपाई पे कैसे बैठेंगे। जब वो जोर लगाया करती थी तो पैंतियों की तरफ कोने में बैठ जाया करते थे कि हमारा जिस्म माँ के जिस्म के साथ भी ना लग जाए, ताकि हमारे जिस्म लगने की वजह से माँ का जिस्म नरम है, हमारा जिस्म ठोस है, हमारे जिस्म लगने की वजह से माँ को तकलीफ ना हो जाए। इसे पहले थोड़ी तकलीफें दी, बेवा जवानी के अंदर हो गई, छोटे छोटे बच्चों को इसने पाला, किसी को आलिम बना दिया, 9 बहन भाइयों को कुरान का हाफिज बना दिया। अल्लाह अकबर, खुदाए पाक की कसम, वो खुद भी रोया करती थी और हमें भी रुलाया करती थी। बेटे मैंने चटनी से रोटी खिलवाई, लेकिन मैंने अपनी गैरत का जनाजा निकलने नहीं दिया। आखिरी वक्त में भाई साजिद कह के गई थी, कह लगी इंशाल्लाह तुम्हारे बाप से मिलूंगी, सर उठा के मिलूंगी, सर झुका के कोई नहीं मिलूंगी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ, अपने माँ बाप की कदर करो, अपनी कदर माँ बाप से करवाओ, बाकी रोला गोला जिस घर के अंदर चले जाओ, खुदाए पाक की कसम, रोटी भी आला मिलेगी, सालन भी आला मिलेगा, चटनी कस्टर्ड खीर आला मिलेगी, लेकिन कान में कह देंगे मौली साहब बच्चों के वास्ते दुआ करियो। उसी वक्त पता लग जाता है
खाने का निजाम घर में दस्तरखान का तो अच्छा, लेकिन घर के औलाद का निजाम बिगड़ा हुआ। ये सही करेंगे जो बाप को बाप नहीं समझते। जब तक कागज कारामद होता है उस वक्त तो टेबल के ऊपर, जब कागज कारामद नकारा होता है तो डस्टबिन के अंदर डालते हैं। यही जिनकी हम अंधी तकलीद करते हैं, इनके हाँ माँ बाप ये हैं। जब तक माँ बाप कमाते खाते इनकी जरूरत पड़ती है, इनका वजीफा मिलता है, कुर्बान जाऊँ अल्लाह अकबर। माँ हमेशा दुआएं देती है, बाप मरने के बाद भी अपनी नौकरी की अपनी औलाद को पेंशन दे के जा रहा है। और मेरे अजीजों मरने के बाद एहसान ख़त्म हो जाते हैं। मुझे ऐसा मौसिन दिखाओ, मुझे ऐसा मुलाजिम दिखाओ जो कब्र में जाने के बाद भी अपने बेटों की नौकरी कर रहा है। पेंशन आएगी, बिजली का बिल जमा होगा, पेंशन आएगी, बच्चे की स्कूल की फीस जमा होगी, पेंशन आएगी तो ईद के कपड़े आएंगे। वो चिट्टे कफन में चला गया, पता नहीं उसे कफन दिया कि नहीं। कफन पे मुझे एक और बात याद आ गई, मुझे पंजाब वालों का तो पता कोई नहीं जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए। मेरे अजीजों घर के अंदर खसम फौत हो जाए, घर वाला फौत हो जाए तो इस बेटी का क्या कुजूर, ये फिर भी पैर की जुत्ती है, मंगनी से लेकर मेहंदी से लेकर माइयों से लेकर शादी तक और फिर नान छुचक तक फिर मकलावे तक सारी जिंदगी इसके माँ बाप ही मेहनतें करते रहे। कोल्लू के बहल के अंदर मेरे अजीजों पिसते रहे, खुदा ना करे हादसाती मौत अगर दामाद को आ गई तो कफन काटी भी उसके घर से आवेगी, कड़वी रोटी भी उसके घर से आएगी। मैंने कई ससुराल वालों को कब्रिस्तान आते देखा, लेट हो गए, जनाजा रख दो जी अभी ससुराल वाले आ रहे हैं। मैंने किसी से पूछा, कहने लगे मैं कहा था कफन काठी में और छह देगे पक रही हैं, जिसकी दिहाड़ी रेडी पर 1000 रुपया हो बता छह देगों के पैसे कहाँ से लेके आएगा, हमने बच्ची का घर बसाना है, अगर कफन ना दे सके मेरी बच्ची को सारी जिंदगी ससुराल वाले तन्ना देते रहेंगे। गरीब का घर उजड़ गया, माँ बाप मर गए, लाल जोड़े वाली ने चिट्टी चादर पहन के माँ बाप के आगे रोके दिखा दिया, अभी भी तो उनके घर की कड़वियां रोटियां खा रहा है। खुदा पाक की कसम ये ना दस्तूर है ना कानून है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रुखसत हुई कड़वी रोटी कहाँ से आई थी, उम्मे कुलसुम रुखसत हुई कड़वी रोटी कहाँ से आई थी, रुकैया रुखसत हुई कड़वी रोटी कहाँ से आई थी, फातिमा का जनाज उठ गया, अब्बा तो पहले ही दुनिया से चला गया था, बताओ कड़वी रोटी कहां से आई थी, कफल काठी कहां से आई थी। छोड़ दो खुदा के वास्ते, इस धंधे को कब छोड़ोगे, तुम तो दीनदार हो, तुम तो तबलीग वाले हो, तुम तो मदरसे वाले हो। खुदा पाक की कसम, मैं उस औलाद को औलाद नहीं कहता जो मरने के बाद अपनी कमाई में से बाप को कफन भी ना पहना सके, ये औलाद है। कितनी बेशर्मी की बात है, मरने वाले का भाई खड़ा है, ताया खड़ा हुआ, अब पढ़ के सुना रहा, हाँ जी 5000 कब्रिस्तान वाले के 4000 कफन के दिए थे, 2000 रुपये नहलाने वाले को दिया था, 3000 रुपये जी हमने मंजी चरपाई के मस्जिद में रसीद कटाई थी, 10 देगे पक्की थी माशाल्लाह, 70000 रुपया, यो 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये इनके खाते में आ गए। इनका कसूर ये है कि इनको इन्होंने अपनी धी को तेरे भाई के साथ दे दिया था, इनका कसूर ये है कि इन्होंने अपनी बेटी को जहेज दिया था, इनका कसूर ये। खबरदार और मुल्तान वाले, मैं तुझे खुदा का वास्ता देके कहता हूं, किसी बेटी की जहेज में ऐब ना निकालना, किसी बहू के जहेज में ऐब ना निकालना। वो खेले के आवे, सवाले के आवे, सिल्वर के भांडे लावे, डिनर सेट लावे, सास ससुर एक मर्तबा हाथ उठा के कह देना रजा दिता गजा दिता, माशाल्लाह तेरे माँ बाप ने बड़ा ही दिया। काम करती को देख के कहेंगे बड़ी हडराम है, क्या लाई थी अपने माँ बाप के घर से। खुदा पाक की कसम, फलस्तीन के ऊपर इसराइल ने हमला किया, उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी बेटी को तकलीफ होती है। वो अपने शोर से कहती है मुझे छेद ले, मुझे मार ले, मेरे माँ बाप को गाली ना दिया कर, मेरे माँ बाप को कुछ ना कहा कर। खुदा पाक की कसम, और मेरे प्यारो जितने यहां बैठे हो तुम धियों के घर भूल गए। कितनी मेरी रानियां यहां अंदर बैठी हैं,
अगर मुझे इजाजत शरीयत देती मैं बहनों से जाके हाल पूछता, बता शादी हो गई कितने साल हो गए, भाई ने फोन किया हो, शादी हो गई कितने साल हुए, भाई मक्के में लेने आया हो, अल्लाह अकबर हड हरामी तुमने की, ससुराल वालों को तुमने सत कर दिया। आओ मेरे अजीज माशरा सुनो, सैयदा फातिमा को 3 दिन ब्याह हुए हो गए, चौथा दिन आया हुजूर अली के दरवाजे पे पहुंच गए, ठक ठक दरवाजा बजा दिया, अंदर से आवाज आई, कौन का बेटी, तेरा बाप मोहम्मद आया है। अम्मा पर्दे के पास आई, अम्मा ने आके जब पर्दा हटाया, अल्लाह अकबर, बेटी का चेहरा उतरा उतरा देखा, वो कपड़े जो ससुराल से मैके से पहन के गई थी वो पेवंद वाली चादर ही लेके बैठी है। बेटी अंदर आने को नहीं कहेगी, अब्बा जी आपका घर है आ जाओ, फरमाया मेरा नहीं अली का घर है। अंदर तशरीफ ले गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके चुपके रो रहे हैं, किस वजह से, हजरत अली की जिस जहाँ बैठे थे टेक लगा के, हजरत अली की दीवार के साय में, मकान की दीवार के साय में, वहाँ से मिट्टी भुर भुर के हुजूर के कपड़ों पर गिर थी, अम्मा बुक्कल में मुंह दे के रो रही थी। रहमत वाले नबी ने बेटी की हालत देखी, यूनी का लगता है मेरी लाडली, ए मेरी धीरानी, मेरी दिल जानी, यूनी फरमाया तूने रोटी कोई नहीं खाई, यूनी फरमाया कपड़े क्यों नहीं बदले, यूनी फरमाया बिस्तर तेरा कौन सा, मसहरी तेरी कौन सी, काली कमली वाला उठ के खड़े हो गए और बेटी को सीने से लगाया, कहां बेटी, अली के घर की मौजे देखकर तुझे मोहम्मद का गरीबी वाला वेड़ा कैसे याद आएगा, बस इतना कहना था। माँ हिचकियों के साथ रोने लग गई और रहमत वाले नबी का हाथ पकड़ के कहने लगी, अब्बा जी अगर ये मौज हुआ करती है तो फिर गरीबी क्या हुआ करती है, दामाद वो मिला, दूल्हा वो दिया जिसके पैर में जूता कोई नहीं, जो ब्याहने के लिए आया था नंगे पैर आया था, अब्बू जी आपने मुझे गद्दा वो दिया जिसमें खजूरों की छालें भरी हुई है, लेकिन अब्बा जी रोटी मिली ना मिली, लेकिन आपने मुझे कुरान भी दे दिया, रेल भी दे दी, और मेरे अब्बा पूछ ले अपने रब से, फातिमा को भूख लगती है, डाली को गालियां देती है, न कोसती है, जब मुझे ज्यादा भूख लगती है ये मुसल्ला भी साथी हूँ, मैं खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ना शुरू कर देते हो, जितनी खुदा के कुरान की तिलावत होती है मेरी भूख भी खत्म हो जाती है, मेरी प्यास भी खत्म हो जाती है। कोई जिंदगी है मेरा जीजो, जाओ 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 औरतों के हुकूक वाले कोर्ट में चले जाओ, इतने इतने थब्बे तुम्हें मिलेंगे कि अल्लाह अकबर, ये मारी दी बसना नहीं चाहती जी, अजी को हाजी जी वजह भी बताओ, नंबरदार जी वजह दी, नहीं जी ने बनना नहीं चाहती, आप हमें तलाक दे दो, डूब के मर जाओ। खुदाए पाक की कसम, हमारे बाप ने एक डोली लिखी थी, पहली बहन की शादी सन 1982 में, बाप को शुगर का मर्ज था, पता नहीं शुगर क्या वक्त थी, उस वक्त क्या थी, मैं 6 साल का तकरीबन था, अब्बा का पाँव कट गया था, हमारे पास तो लाठी भी लेने के पैसे नहीं थे, हाकी पकड़ के मेरा बाप लिखा था, मेरा बाप खड़ा था, लेकिन जो उस वक्त जुमले दे के चला गया, खुदाए पाक की कसम यहां लिखे हुए हैं, उन जुमलों में मेरे बाप ने डोली पढ़ के सुनाई थी, छोटी सी दूल्हन तो है बड़े बाप की बेटी, अल्लाह करे तेरे भी ओ साहब बड़े हो, आगे की सत्रे मैं भूल गया, नीचे की सत्र सिर्फ एक याद है, बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था, डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। अल्लाह अकबर, गैरत वाले बाप मेरे अजीजों, गैरत वाली दी को ये अल्फाज सिखाया करते थे, लेकिन मेरे अजीजों अब तो कान में कहा जाता है, शोहर की ना मानियो, सास ससुर की ना मानियो, जानी को हाथ लगाने नहीं देती, पहले वादा कर माँ बाप से लहदा कब होके दिखाएगा। ओ मेरे प्यारो, अपनी पहली शादी की रात अपनी बीवियों के आगे हाथ जोड़ दो, मुझे कुछ कह देना, मेरे यारों को कुछ कहना, मेरे कपड़े इस्त्री ना करके दे, झगड़ा नहीं करूंगा, धोखे ना दे धोबी से दिलवाऊंगा, जो उंगली मेरी उठ रही है मेरी माँ बाप की तरफ ना उठाना, तो घर बनाने के लिए आई, घर तोड़ने के लिए नहीं आई, मैं सारी अजियतें बर्दाश्त कर सकता हूँ, माँ बाप की जुदाइयां बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सबक दो अपने घर के अंदर। बेटी का हाथ पकड़ा रहमत आलम ने, चले का कहां, का 3 दिन हो गए मेरे घर में, चल तेरी तबीयत कुछ और हो जाएगी। अब क्या कह रही, अब्बू जी आपको याद है ना, का क्या, जब घर की दलीज पार की थी तो आपने कान में कहा था, बेटी ये घर तेरा पराया हो गया, अब तेरा घर वो है, जब तक मेरे घर की चौकट के अंदर थी मेरा हक चलता था, जब अली के घर में चली गई अब इख्तियार मेरा नहीं चलेगा, इख्तियार तेरा चलेगा। हुजूर की अखियों में आंसू आ गए, कहाँ बेटी, कहा था, कहा अब्बा जान फिर आप वहाँ बैठ जाइए, वरना घर चल के इंतजार करिए।
अली आएंगे, मैं कहूंगी अब्बा लेने आए हैं, अगर वो इजाजत दे दे तो तेरा हाथ पकड़ के चली जाऊंगी, अगर वो इजाजत ना दे तो मेरे अब्बा जान आप नाराज ना होना। हुजूर सर झुका के रोते रहे और घर की दीवार के साए में बैठ गए। हजरत अली पाक ने आके हुजरे का पर्दा हटाया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चेहरे पे नजर पड़ी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मारे गैरत के बात ही ना की गई और इशारे से कहने लगे फातिमा ये क्यों आए हैं? कान के पास जाके कहा मुझे लेने के लिए आए हैं, जाती क्यों नहीं? अली तेरा इंतजार था, इतने में हुजूर खड़े हो गए। अली बेटी को ले जाओ तेरी इजाजत है। अली कहने लगे मैं अल्लाहू अकबर गैरत गैरत वाला हो गया, मेरे आंसू से लड़ी आ गई। मैंने कहा कमली वाले अल्लाहू अकबर कब तक शर्मिंदा करते रहोगे, मैं क्या था? अल्लाहू अकबर मैं अकेला नंगे पैर तेरे पास आया था, तूने वो बेटी मेरी झोली में डाल दी जिसे अल्लाहू अकबर तूने मोहम्मद आपने जिसे अपने जिगर का टुकड़ा कहा है, जिसे बिदातु मिन्नी कहा है, जिसे जन्नती औरतों की सरदारन कहा है, अल्लाहू अकबर। फिर गैरत वाली दी को अली ने बीवी को इजाजत दे दी, सुनना दौड़ी गई ना रक्षा मंगवाया। अब्बू जी आपको टैक्सी का क्या पता, अब्बू जी आपको क्या पता मुल्तान में टाइम कब निकलता है, मैं जाती हूँ। अली इधर आ जा, अब्बा जान को कह जरा आगे आगे चले। अली मैं बुरका चेहरे पे ले लूंगी, चादर लपेट लूंगी, जहां मेरा बाप पांव रखे वहां मेरा पांव रखवा देना, जैसे मैं कदम उठाऊं तो अपना पैर रख के हमारे कदमों के निशान मसल देना। अली कहने लगे क्या मतलब, अब्बा के पैर पर तेरा पैर, फिर अपना पैर रखूं निशान मिटा दूं? जब घर के दरवाजे पे हुजूर के चली गई, अब सुनो मेरी बहन क्या कह रही है। अली अल्लाह अकबर, बाप के निशान के ऊपर पैर इसलिए रखा कि जमीन के जर्रों से भी मोहम्मद की गैरत वाली धी का पर्दा हो जाए, और तेरा पैर अपने कदमों पे इसलिए रख के मिटा दिया कि आसमान के सूरज से भी मोहम्मद की धी के पैरों का पर्दा हो जाए। जब ऐसी गैरत वाली औरतें थी तो उन गोदों में अल्लाह ने पसंद किया, हुसैन भी आएगा, हसन भी आएगा, मोहसिन भी आएगा, जैनब भी आएगा।